आज हमारा टॉपिक है हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल। तो हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल एक अबनॉर्मैलिटी है प्लासेंटल डेवलपमेंट की। तो किसी भी कारणवश, जैसे हम स्टार्टिंग फर्टिलाइजेशन से अगर बात करें, तो व्हेन देयर इज़ फर्टिलाइजेशन, मतलब जब एक स्पर्म और एक ओवम फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, दे फॉर्म अ जायगोट। ओके, सो व्हाट हैपन्स टू द जायगोट इज कि विद इन 24 to 30 hours में, मतलब मैक्सिमम आप मान लीजिए 30 घंटे में, ये जो एक जायगोट है दैट स्प्लिट्स इनटू, या उसका माइटोसिस होता है एंड दैट बिकम्स टू सेल। ओके, फिर ये टू सेल स्टेज से अगले 12 घंटों में इट चेंजेस या इट ड्यूप्लीकेट्स या इनका माइटोसिस होता है एंड इट बिकम्स अ फोर सेल स्टेज। एंड देन बहुत जल्दी जल्दी इनका मल्टीप्लीकेशन होता है, दे बिकम 8 cell, 16 cell और कभी कभी उससे ज़्यादा भी। ओके, सो व्हेन दे बिकम अ 16 stage cell, तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि वो मोरुला है। ओके, अब ये मोरुला क्या करते हैं, ये धीरे धीरे एंडोमेट्रियम की तरफ, मतलब फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ एंडोमेट्रियम के थ्रू क्या करना स्टार्ट करते हैं, पास करना, एंटर करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब ये मोरुला ट्रांसपोर्ट करते हैं या दे मेक अ वे इनटू द यूट्रस, तो उस टाइमिंग में ये जो यूट्रस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको ये सेल्स ले लेते हैं और इसके अंदर फ्लूइड के एक्यूमुलेशन होके दे स्वेल अप। ओके, जब ये स्वेल अप करते हैं उसके बाद ये बन जाते हैं ब्लास्टोसिस्ट। एंड ब्लास्टोसिस्ट अगर आप देखेंगे तो उसका जो इनर पोर्शन होता है उसको हम इनर मास सेल कहते हैं और जो बाहर का पोर्शन होता है वो ट्रोफोब्लास्ट होता है। ओके, अब जब आगे चलकर और ज़्यादा डेवलपमेंट होती है तो ये ट्रोफोब्लास्ट जो है ये प्लासेंटा बनाते हैं और कोरियन बनाते हैं जो फीटल मेम्ब्रेन का आउटसाइड पार्ट होता है। ओके, और ये जो इनर मास है ये क्या बनाते हैं, ये बेबी बनाते हैं और एमनियन बनाते हैं। एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन होता है वो सारी चीज़ें कौन बनाता है, इनर सेल मास, और जो आउटर में था जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कह रहे हैं, दे मेक द प्लासेंटा एंड दी कोरियन। कोरियन फिर उसमें कोरियोनिक विलाई वगैरह वो सब चीज़ें कौन बनाते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। ये हम इसीलिए रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि हम ये पढ़ेंगे कि जो हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल है ये किसके अंडर क्लासिफाई होता है, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ में, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले जो ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ हैं उसके अंदर जो सबसे मेन डिजीज़ होता है उसको हम हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल कहते हैं। और ये हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल इस ट्रोफोब्लास्ट, जो आउटर ट्रोफोब्लास्ट होता है ब्लास्टोसिस्ट का, उसकी अबनॉर्मैलिटी की वजह से होता है। नेचुरली ट्रोफोब्लास्ट में प्रॉपर्टी होती है टिश्यूज़ को इन्वेड करने की, उनमें रेप्लिकेशंस होने की, लेकिन कभी कभी अगर ये अनकंट्रोल्ड हो जाए तो उस कंडीशन में बिनाइन फॉर्मेशंस हो सकते हैं और उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल। मतलब ये अनकंट्रोल्ड तरीके से क्या हो जाते हैं, रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तब प्रॉब्लम क्या होती है कि ज़्यादातर टाइम में प्लासेंटल जो टिश्यूज़ बनने थे, जो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज़ हैं, वो इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं कि समटाइम्स देर इज़ नो फीटस एट ऑल, और अगर फीटल है भी, फीटल डेवलपमेंट होगा भी, तो उस कंडीशन में फीटस सर्वाइव नहीं कर पाते हैं बिकॉज दीज ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज़ गेट मल्टीप्लाइड, या उनका जो माइटोसिस है, उनका रेप्लिकेशन है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, सो दिस इज़ दी हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल। सो हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल, इट इज़ एन अबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द प्लासेंटा वेयर देयर आर पार्टली डिजेनरेटिव एंड पार्टली प्रोलिफरेटिव चेंजेस इन द यंग कोरियोनिक विलाई। मतलब जो कोरियोनिक विलाई है, जो ट्रोफोब्लास्ट बनाते हैं, उनमें आधे सेल्स, आधे टिश्यूज ऐसे हो जाते हैं जो डिजेनरेट हो जाते हैं, और कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो प्रोलिफरेट करते हैं। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल। इसको अगर हम कहें तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि दिस इज द बिनाइन नियोप्लाज्म ऑफ द कोरियन विथ मैलिग्नेंट पोटेंशियल। अब इसमें हम देखते हैं कि हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल दो तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं। ईदर इट कुड बी अ कंप्लीट मोल एंड इफ नॉट इट कुड बी अ पार्शियल मोल। ओके, सो कंप्लीट मोल किस तरीके से होता है? कंप्लीट मोल वो होता है जिसमें सिर्फ प्लासेंटल टिश्यूज़ जो होते हैं या ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज़ जो होते हैं उनका हम
प्रोलिफरेशन देखते हैं या एक्सेसिव अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन देखते हैं जिसमें फीटस नहीं होता है. ओके और पार्शल मोल वो होते हैं जिसमें ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज़ का प्रोलिफरेशन भी हो रहा है, मतलब अनकंट्रोल तरीके से बिनाइन ट्यूमर की तरह वो प्रोलिफरेट भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि फीटल टिश्यूज़ या फीटल डेवलपमेंट के साइंस प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं पार्शल, और कम्प्लीट मतलब फीटस नहीं होता है. सो कम्प्लीट जो हाइड्रेटेडिफॉर्म मोल है वो होने के कारण क्या होते हैं? वो होने का कारण ये होता है कि अगर मेटर्नल कंट्रीब्यूशन ना हो, स्पर्म है वन स्पर्म एंड जो एग है वो ए न्यूक्लिएटेड है, मतलब न्यूक्लियस नहीं है, जो एग है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, फंक्शनल नहीं है, उस कंडीशन में ये जो फ्यूज करते हैं तो सिर्फ स्पर्म ही कंट्रीब्यूट करते हैं, और उस कंडीशन में देर इज़ अ 23 एक्स और वाई. ओके और अगले कुछ टाइम में वो अपने आप ही क्या कर लेते हैं, ड्यूप्लिकेट कर लेते हैं और वो डिप्लॉयड बन जाते हैं एंड दे बिकम 46XX और 46YY. ओके ज़्यादातर देखा जाता है कि 46YY कंडीशंस आर नॉट रिपोर्टेड एज पर दी रिकॉर्ड्स, तो इसीलिए ज़्यादातर जगहों पे देर इज़ ओनली दी एविडेंस ऑफ 46XX. ओके नेक्स्ट द सेकेंड थिंग इज पार्शियल मोल. पार्शियल मोल में क्या होता है कि देर इज़ एन एग जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बट देर इज़ अ कंडीशन कि दो स्पर्म्स एक ही एग को क्या है फर्टिलाइज कर रहे हैं. उस कंडीशन में व्हाट हैपेंस इज कि ये जो दोनों तीनों हैं, मतलब दो स्पर्म और एक, तीनों का ही क्या होता है दे गेट माइटोटिक इन द नेक्स्ट स्टेज एंड उसमें क्या हो जाता है इट बिकम 69 और उनका जो जीनोटाइप होगा इट कुड बी ईदर XXX, मतलब जो दोनों स्पर्म में से आया वो भी XX हो जो सेक्स क्रोमोसोम्स से, और जो फीमेल से आया वो तो ऑफकोर्स इट कुड बी एन X, तो उस कंडीशन में इट कुड बी XXX. इसके अलावा इट कुड बी XXY और इट कुड बी XYY. ओके सो ये सारे ही जीनोटाइप हो सकते हैं. सो दिस इज़ द कम्प्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम और ये हम सिर्फ यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जीनोटाइप बता रहे हैं. दिस इज द फिनोटाइप एंड दिस इज द जीनोटाइप. सो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लीट एंड पार्शियल मोल. ओके नाउ हम बात करते हैं कि ये जो हाइड्रेटेडिफॉर्म मोल है उसमें हमने देखा कि कंप्लीट में हमने कहा कि द एग इज़ नॉट वायबल या एग इज़ ई न्यूक्लिएटेड, या हमने पार्शियल में देखा कि देयर कुड बी अकरेंस ऑफ टू स्पर्म्स फ्यूजिंग विद अ सिंगल ओवम, तो वो कंडीशंस क्यों होती है? तो हम एटियोलॉजी अगर देखें तो द फर्स्ट थिंग इज़ इट कुड बी बिकॉज ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी. बहुत कम एज में अगर प्रेगनेंसीज होती हैं तो इट कुड लीड टू हाइड्रेटेडिफॉर्म मोल. अगर बहुत ओवर एज में, अगर जैसे 35 अबव में अगर होता है एंड दैट टू मल्टीपैरा वूमेन में, मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा डिलीवरीज हो चुकी हैं, उन कंडीशंस में हाइड्रेटेडिफॉर्म मोल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. ओके इसके अलावा फॉल्टी न्यूट्रिशन हो सकता है. फॉल्टी न्यूट्रिशन में सबसे ज़्यादा हम देखते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द प्लेसेज ऑल्सो कि कैसे रीजन्स हैं, तो उसमें सबसे बड़ा कारण हो सकता है लो इनटेक ऑफ प्रोटीन. इट कुड बी बिकॉज ऑफ कैलोरी इम्बैलेंस एंड कुछ जगहों पे देखा जाता है कि कुछ कंडीशंस, कुछ केसेस में देखा जाता है इट कुड बी बिकॉज ऑफ कैरोटीन इनसफिशिएंसी आल्सो. ओके इसके अलावा डिस्टर्ब्ड मेटर्नल इम्यून सिस्टम जो होता है या मेटर्नल इम्यून मैकेनिज्म जो होता है वो अगर डिस्टर्ब्ड है तो उस डिस्टर्ब्ड कंडीशन में, मतलब इम्यून डिफिशियंसी है अगर मदर में, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हाइड्रेटेडिफॉर्म मोल हो सकता है. इसके अलावा अगर उस पर्टिकुलर मदर को अगर पहले हाइड्रेटेडिफॉर्म मोल हो चुका है तो रीअकरिंग जो प्रेगनेंसीज है उसमें भी होने के चांसेस हैं, और साथ ही साथ अगर उनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री रही है देन ऑल्सो जेनेटिकली ये प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं. ओके सो यहाँ पे हम एक चीज़ ज़रूर देखेंगे कि अगर हम बात करते हैं हाइड्रेटेडिफॉर्म मोल की, सो दिस इज़ नॉट अ कैंसर, दिस इज़ अ बिनाइन कंडीशन. ओके इट इज़ अ बिनाइन नियोप्लाज्म ऑफ द कोरियन विद द मैलिग्नेंट पोटेंशियल. विद द मैलिग्नेंट पोटेंशियल याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखा जाता है कि अगर किसी को हाइड्रेटेडिफॉर्म मोल हुआ है तो अगर वो प्रेगनेंसी एक्सक्लूड करा भी देते हैं उसके बाद भी आगे चल के उनको कोरियो कार्सिनोमा होने के, मतलब कोरियन में कार्सिनोमिक कंडीशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो ये एक ऐसा बिनाइन कंडीशन है जिसमें मैलिग्नेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में. क्लिनिकल फीचर्स हम डिवाइड कर रहे हैं एज पर सिम्टम्स, साइंस, देन एब्डोमिनली हम क्या फीचर्स देखते हैं और वजाइनली हम क्या फीचर्स देखते हैं.
सो दीज आर सिम्टम्स जो एक मदर फील करती हैं. सो उसमें मदर एक्सपीरियंसेस वेजाइनल ब्लीडिंग. वेजाइनल ब्लीडिंग ऑलमोस्ट सभी फीमेल्स में होता है जिनको हाइड्राटिडिफॉर्म मोल होता है. एंड जो वेजाइनल ब्लीडिंग है उसमें ब्लड के साथ साथ देखा जाता है कि वाटरी डिस्चार्जेस भी हो जाते हैं. और इसमें एक फेमसली कोट किया जाता है कि जो हाइड्राटिडिफॉर्म मोल में वजाइनल ब्लीडिंग दिखता है, इट इज़ समथिंग लाइक द वाइट करंट इन दी रेड करंट जूस. मतलब जो बेरीज होते हैं, वाइट बेरीज एंड रेड बेरीज जो फ्रूट होते हैं, तो अगर रेड बेरी का अगर जूस लिया जाए, जूस बनाया जाए, और उसमें अगर आप वाइट बेरीज को डाल दें उस जूस में, तो जैसा दिखेगा वैसा लगता है जब हाइड्राटिडिफॉर्म मोल वाले प्रेग्नेंट वूमन को ब्लीडिंग होती है. तो ब्लड में वो वाटरी डिस्चार्जेस या जो वेसिकल्स निकल रहे हैं वो ऐसा अपीयरेंस देता है. ओके, नेक्स्ट इज लोअर अबडोमिनल पेन. अबडोमिनल पेन जो होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एनलार्जिंग यूट्रस. दैट कुड ऑल्सो भी बिकॉज ऑफ द कंसील्ड हेमरेज, क्योंकि अंदर ही अंदर हेमरेजेस भी होते हैं. और मतलब वजाइनल ब्लीडिंग तो हो ही रही है, साथ ही साथ कंसील्ड हेमरेजेस भी होते हैं इनसाइड दी कैविटी. ओके, इसके अलावा मदर बहुत ज़्यादा सिक फील करती है विदाउट एनी अपेरेंट रीज़न. किसी और किसी रीज़न के बिना भी प्रेगनेंसी में वो नॉर्मल प्रेगनेंसी से कहीं ज़्यादा क्या फील करती हैं, सिक फील करती हैं. उनको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है. ऑलमोस्ट 50-60% केसेस में हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम होने के चांसेस हैं, एक्सेसिव वॉमिटिंग होने के चांसेस हैं. ब्रेथलेसनेस होता है, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ यूट्रस. हम आगे पढ़ेंगे कि जो यूट्रस है वो प्रेगनेंसी के एक ग्राफ के मुताबिक जितना होना चाहिए यूट्रस का जो एनलार्जमेंट है उससे कहीं ज़्यादा एनलार्जमेंट होता है हाइड्राटिडिफॉर्म मोल में, क्योंकि ये एक ट्रोफोब्लास्टिक कंडीशन है जिसमें बिनाइन मतलब इसमें अनकंट्रोल्ड सेल्स बन रहे हैं. तो यूट्रस स्टार्ट्स टू एनलार्ज यूनिलैटरली या बायलैटरली, मतलब दोनों तरफ से. इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो ब्रेथलेसनेस है दैट कुड ऑल्सो भी बिकॉज ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जिनको हाइड्राटिडिफॉर्म मोल होता है, ये मोल हमने बोला था कि ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज़ जो हैं उनकी इन्वेडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो मोल्स हैं ये इन्वेड कर जाते हैं इनटू द पल्मोनरी सिस्टम. एंड अगर ऐसा होगा तो वी कॉल इट एज पल्मोनरी एम्बोलिज्म. एंड उस कंडीशन की वजह से एक्यूट रेस्पिरेटरी इंसफिशेंसीज, ब्रेथलेसनेस वगैरह होने के चांसेस हैं. ओके, इसके अलावा वजाइना से फीमेल एक्सपीरियंस करती हैं कि ग्रेप लाइक कुछ वेसिकल्स, मतलब जैसे ग्रेप लाइक मतलब राउंड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वाटर बॉल्स की तरह, ऐसे कुछ ग्रेप लाइक वेसिकल्स, फ्लूइड फिल्ड जो बॉल्स हैं, ऐसा कुछ वजाइना के थ्रू रिलीज हो रहा है, ऐसा फील होता है. ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा एक साथ फील होगा. धीरे धीरे उन्हें एक्सपीरियंस होता है कि जो वेसिकल्स हैं वो वजाइना के थ्रू निकल रहे हैं. ओके, देन देर इज़ अ क्विकनिंग जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में होना चाहिए. क्विकनिंग इज़ जब फीटल मूवमेंट्स एक्सपीरियंस करती हैं वुमेन. तो जितनी भी प्रेगनेंसी का टाइम आगे बढ़ता है क्विकनिंग फीमेल एक्सपीरियंस नहीं कर पाती हैं. ओके, बिकॉज देर इज़ नो फीटल डेवलपमेंट. बेशक कंप्लीट में तो फीटल है ही नहीं, अगर पार्शल भी हो और फीटस है भी तो वो फीटल क्या होते हैं, वो डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो फीटल मोमेंट्स फील नहीं होता है. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द सिम्टम्स. नाउ वी कम टू द साइंस. अगर हम साइंस के बारे में बात करें तो वेन वी ऑब्जर्व अ वूमन प्रेगनेंट वूमन विथ हाइड्राटिडिफॉर्म मोल, तो हमें वो वूमन बहुत ज़्यादा इल दिखती हैं विदाउट एनी रीज़न, या जितना एक प्रेगनेंसी में होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वो वूमन क्या दिखती हैं, फिजिकली बहुत ज़्यादा इल दिखती हैं. इसके अलावा पेलर होता है. पेलर इज़ बिकॉज ऑफ द एनीमिक कंडीशन. और ये एनीमिया क्यों हो रहा है, एनीमिया हो रहा है बिकॉज ऑफ द हेमरेज दैट इज़ हैपनिंग. ओके, इसके अलावा हम देखते हैं कि प्री एक्लैम्पशिया के फीचर्स भी हो सकते हैं. प्री एक्लैम्पशिया के फीचर्स क्या होते हैं, प्री एक्लैम्पशिया में हाइपरटेंशन होता है, साथ ही साथ एडिमा होता है बॉडी में. एंड उसके साथ साथ हम देखते हैं कि यूरिन में से प्रोटीन का जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा होता है. तो प्रोटीन यूरिया, एडिमा, हाइपरटेंशन, ये सारे फीचर्स किस में दिखाई देते हैं, हमें इन हाइड्राटिडिफॉर्म मोल वाले पेशेंट्स में दिखाई दे सकते
दे सकते हैं, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि प्रीएक्लाम्प्सिया एग्जैगरेट होने की वजह से कोमा भी हो सकता है, मतलब एक्लाम्प्सिया भी हो सकता है. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पर अबडोमिनली मदर क्या एक्सपीरियंस, मतलब मदर में हम पर अबडोमिनली क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो पहली चीज़ यूट्रस का साइज़ होता है. जैसे मैंने पहले कहा कि यूट्रस का साइज़ पीरियड ऑफ एमिनोरिया के हिसाब से, मतलब जब से उन्हें मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं हो रहे हैं या जब से सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है, उस टाइम से लेकर जब आपके पास वो पेशेंट आएंगी, उस टाइम तक में जितने वीक्स हुए हैं जेस्टेशनल एज बेबी का, उस हिसाब से जितना यूट्रस का साइज़ होना चाहिए या फंडल हाइट होना चाहिए, उसके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हाइट होता है यूट्रस का. ओके, इसके अलावा जो यूट्रस है वो बहुत फर्म और इलास्टिक लगता है, बहुत हार्ड और इलास्टिक लगता है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. जो बेबी है, जो एमनियोटिक सैक है, वो सब कुछ अंडर डेवलप्ड या नॉट डेवलप्ड होता है, उस कंडीशन में एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होगा. और एमनियोटिक फ्लूइड ना होने की वजह से बेबी का जो एक स्मूथनेस था या जो हम पैल्पेट कर सकते थे, वो नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल बेलॉटमेंट. एक्सटर्नल बेलॉटमेंट फील नहीं होता है. ओके, एक्सटर्नल बिलॉटमेंट जब आप अब्डोमेन के ऊपर से फील करना चाहेंगे तो आपको बिलॉटमेंट फील नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट इज फीटल पार्ट्स एंड मूवमेंट्स नॉट फेल्ट. फीटल पार्ट्स और मूवमेंट्स भी हम फील नहीं कर पाते हैं, और साथ ही साथ फीटल हार्ट साउंड अगर हम चाहें तो वो भी हमें ऑडिबल नहीं होता है. दैट इज़ ऑल दी रिकॉर्डिंग्स जो पर अब्डोमिनली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. वजाइनल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं कि वजाइनल एग्जामिनेशन जब आप करेंगे तो इंटरनल बलॉटमेंट करके देख सकते हैं. इंटरनल बलॉटमेंट भी फील नहीं हो पाता है क्योंकि फीटल डेवलपमेंट ही नहीं है. साथ ही साथ हम देखते हैं कि हाइड्रेटेडिफॉर्म मोल कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ द ओवेरियन सिस्ट, जिस वजह से फॉल्टी एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और जिसके कारण जो जो पर्टिकुलर एग था वो न्यूक्लिएटेड नहीं है. ओके, अगर ऐसा कंडीशन है तो ओवरी में हम देखते हैं कि सिस्ट का साइज़ जो है वो बढ़ता जाता है. तो यूनिलैटरली या बाईलैटरली, मतलब एक ओवरी या दोनों ही ओवरीज क्या होते हैं, एनलार्ज होते हैं, और वो हम परवजाइनली फील कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर सर्विक्स ओपन है तो नॉर्मली अगर सर्विक्स के थ्रू हम फील करना चाहें तो हमें फीटल पार्ट्स या एमनियोटिक सैक फील होना चाहिए, लेकिन फीटल मेम्ब्रेन की बजाय हमें सर्विक्स से क्या फील होता है, हमें ब्लड के क्लॉट्स या फिर हमें ग्रेप लाइक वेसिकल्स, जो ये सेल्स बन रहे हैं वो फील होते हैं. सो ये ग्रेप लाइक वेसिकल्स क्या हैं? एक्चुअली ये जो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू जो बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो जो यूट्राइन कैविटी से, यूट्राइन सेल से जो फ्लूइड लेते हैं, उन सब से वो फूल जाते हैं, स्वेलअप कर जाते हैं, और वो टिश्यू स्वेलअप होके राउंड वाटर बॉल्स की तरह या पानी के छोटे छोटे जो बबल्स की तरह क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, वो वेसिकल्स बन जाते हैं. ओके, सो ये वेसिकल्स जो हैं वो हमें फील होते हैं, जो साइंस के टाइम में हमने बोला था कि पेशेंट एक्सपीरियंस करती हैं कि उनके वजाइना के थ्रू ऐसे वेसिकल्स डिस्चार्ज हो रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन में हम देखते हैं कि फुल ब्लड काउंट किया जाता है, CBC किया जाता है एनीमिया को चेक करने के लिए, ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ABO या RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से ऐसा हुआ हो, तो इन सब चीज़ों के लिए ब्लड ग्रुप, ब्लड काउंट पूरा चेक किया जाता है. रीनल, हेपेटिक, थायराइड, ये सारे फंक्शन चेक किए जाते हैं. सोनोग्राफी किया जाता है. जब सोनोग्राफी करते हैं तो एक डिस्टिंक्टिव चीज़ नज़र आती है, वो है स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस. मतलब जो यूट्रस है उसमें पूरे ये वेसिकल्स ऐसे फैले हुए होते हैं, तो अल्ट्रासाउंड करते वक्त ऐसा लगता है जैसे कि स्नो है वहाँ, पूरा आइस स्नो है, ऐसा फील होता है. सो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस फील होता है. इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के दौरान ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन है, जो कोरियोनिक विलाई से रिलीज होना चाहिए था, उसका जो क्वांटिटी है उसे एस्टिमेट किया जाता है. और हम देखते हैं कि ये कोरियोन का मैलिग्नेंसी है, बिनाइन कंडीशन है, उस वजह से जो हार्मोन है वो भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है. तो जितना प्रेगनेंसी में रिलीज़ होना चाहिए एक वक्त पे, उससे कहीं ज़्यादा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं हाइड्रेटेडिफॉर्म मोल में. तो ये सारे तरीके हैं जिससे हाइड्रेटेडिफॉर्म मोल को क्या किया जा सकता है, इवैल्यूएट किया जा सकता है या डायग्नोस किया जा सकता है.
इसके अलावा स्ट्रेट एब्डोमिनल एक्सरेज किए जा सकते हैं। स्ट्रेट एब्डोमिनल एक्सरे में यूट्रस एनलार्ज दिखेगा लेकिन फीटल शैडोज नहीं होंगे, सो दैट इज़ एन इंडिकेशन कि फीटस नहीं है। ओके यही सेम चीज़ अगर एक्सरे के थ्रू नहीं पता चल पा रही है तो उसके लिए फिर बेटर रेडियोग्राफिक प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं जैसे सीटी या एमआरआई। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। कॉम्प्लिकेशन मतलब हाइड्राटिडिफॉर्म मोल की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान भी, प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के बाद भी, इमीजिएटली और लेट स्टेज में भी। ओके सो इमीजिएटली क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि हेमरेज हो सकता है और साथ ही साथ हेमरेज ज़्यादा होने की वजह से हेमरेजिक शॉक हो सकता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से जो फीमेल हैं वो शॉक में जा सकती हैं। इसके अलावा यूट्रस में परफोरेशन हो सकता है। यूट्रस में परफोरेशन दो रीज़न की वजह से हो सकता है। एक रीज़न है कि ये जो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज़ हैं उनकी प्रॉपर्टी है कि वो टिश्यूज़ को क्या कर सकते हैं, इन्वेड कर सकते हैं, तो एक ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए अगर क्यूरेटेज प्रोसीजर यूज़ किया गया तो उस क्यूरेटेज के दौरान जो यूट्रस पे स्कार्स पड़े हैं उस वजह से भी परफोरेशन हो सकता है। ओके इसके अलावा इन वेसिकल्स की वजह से, बिनाइन टिश्यूज़ की वजह से, परफोरेशन की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से इन्फेक्शन या सेप्सिस हो सकता है। प्रीएक्लाम्प्सिया के बारे में तो हमने बात किया ही था कि ये जो एनलार्जिंग यूट्रस है, लॉस ऑफ ब्लड है और साथ ही साथ जो रेस्पिरेटरी इंसफिशेंसी है, इन सारी वजहों से हाइपरटेंशन हो सकता है और प्रीएक्लाम्प्सिया के साइंस दिख सकते हैं पेशेंट में। ओके इसके अलावा एक्यूट पल्मोनरी इंसफिशेंसी क्यों होता है, हमने बात किया कि वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से होता है। कोएगुलेशन फेलियर भी कुछ फीमेल्स में देखा जाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने की वजह से कहीं अगर पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो उस वजह से देखा जाता है कि जो फिब्रिन्स और प्लेटलेट्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं जिसकी वजह से क्लॉटिंग जो होता है मैकेनिज्म या कोएगुलेशन जो होता है वो फेलियर हो जाता है, उस वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। ये तो थे इमीडिएट रिस्पॉन्सेस। लेट मतलब एक साल बाद, डेढ़ साल बाद, कुछ टाइम बाद क्या हो सकता है, ये जो हिस्ट्री ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ था, ये बिनाइन कंडीशन था, वो मैलिग्नेंसी में चेंज हो सकता है और क्या कॉज कर सकते हैं, कोरियोकार्सिनोमा, द कार्सिनोमा ऑफ द कोरियोनिक विलाई। ओके सो दिस इज़ अबाउट द कॉम्प्लिकेशन। सो आज हमने पढ़ा हाइड्राटिडिफॉर्म मोल के बारे में। एक ऐसा कंडीशन जब जो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज़ होते हैं जो कोरियोन और प्लासेंटा बनाते हैं उनमें बिनाइन कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से कुछ सेल्स तो डीजनरेट हो जाते हैं लेकिन कुछ सेल्स बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन। तो अगर बहुत शॉर्ट में कहा जाए तो ये एक बिनाइन कंडीशन है या बिनाइन नियोप्लाज्म है कोरियोन का, लेकिन इसमें मैलिग्नेंट पोटेंशियलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस लिंक को क्लिक करें, ऐप को विजिट करें, वहाँ पे आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अवेलेबल होंगे। थैंक यू।